अब तो आज है दिवाली और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज है मेरे घर पे पूजा, तो यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है और मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड मैंने मेहंदी भी लगाई है, देख सकते हो। अभी दिखाती हूँ यहाँ पे प्रिपरेशन क्या चल रहा है। यहाँ पे दोनों माला वगैरह ये अलग कर रहे हैं ताकि सजाने के लिए लग सके। ये तो नहाया भी नहीं है, ये नहा चुके हैं और यहाँ पे रूपी भी आ चुका है। टडा! और ये है हमारी सजावट जो कि अधूरा है अभी, बाकी ये सब लगाने के बाद पता नहीं कैसे लगेगा, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। उस तरफ तो चल रही थी पूजा की तैयारियाँ और यहाँ पे चल रही है हमारी खाने की तैयारियाँ। तो खाने में हमारे घर पे जब भी पूजा होती है ना, मतलब दिवाली की पूजा, तो वहाँ पे ना सब कुछ बनता है, बूंदी पूरी सब्जी वगैरह सब कुछ। तो मैं अभी दिखाती हूँ बूंदी कैसे तैयार होता है। बूंदी तो यहाँ पे फ्राई हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे चाय पी लेती हूँ क्योंकि मेरी ना व्रत है आज और मैं कुछ भी नहीं खा सकती, बस पानी थोड़ा सा पिया था सुबह को उठ के, उसके बाद बस 2 कप चाय पी। एंड यहाँ पे हम दोनों सिस्टर मिलके ना आलता पहन रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी पूजा जो है, लक्ष्मी पूजा में आलता नहीं पहनोगे तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है, तो यहाँ पे इसलिए हम दोनों मिलके यहाँ पे पहनने लग गए। आलता तो मैं पहली बार पहन रही थी इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी। उसके बाद मैंने पहना अपना ये नज़र कड़ा जो कि मैंने धनतेरस पे लिया था इसी बारी, एंड कैसा है कमेंट करके आप ज़रूर बताना। फिर मैंने सोचा कि मैं रेडी हो जाती हूँ, लेकिन उसी बीच मुझे काम पड़ गया कि मुझे माला गाँथना है, वो भी गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए। तो मैं फटाफट से यहाँ पर बैठ के माला गाँथने लग गई और मम्मी यहाँ पर गंगा जल निकाल रहे थे। मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया था इसलिए मैं चली गई थी तैयार होने, और दूसरी तरफ भाई यहाँ पे भगवान जी को विराजमान करने के लिए यहाँ पे लेकर आ गया था क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि लक्ष्मी जी और गणेश जी को जाके बिठा लो। देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे थे दोनों क्यूट क्यूट से हमारे भगवान जी, कैसे लग रहे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा तैयार होने के लिए थोड़ा सा सूट कर रही थी एंड टाइम नहीं था बिल्कुल भी मेरे पास, फिर भी मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा थोड़ा कर लिया था, जिसका वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मेरे है जाके देख सकते हो, और या फिर इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी यहाँ पे आई बटन पे। और मेरा लुक कुछ इस प्रकार सिंपल सा था एंड मैंने बस एक क्रॉप टॉप और स्कर्ट लिया था जो कि मैंने पहन लिया, एंड मुझे ना उसी दिन ही पिंपल आ गई थी एक पर, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही होता है, हर टाइम जब भी कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं ना तभी मेरे को पिंपल्स आ जाते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, एंडी भी यहाँ पे तैयार हो चुके थे, तो हम सारे लोग मिलके अब जाएंगे माँ का घाट लाने जो कि हमारे यहाँ पे पास ही में एक जलाशय है जहाँ से हम हर पूजा कर लाते हैं घाट वगैरह, तो वहीं चलते हैं, चलो मेरे साथ आप भी। और हमारे जो मंदिर का ये जो हमने सजावट करी थी ना, ये था फाइनल लुक, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा हुआ है डेकोरेशन वगैरह, और मैं मिलती हूँ आपको एकदम जलाशय के पास।
घट लेके आने के बाद पंडित जी यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे और दूसरी तरफ ना यहाँ पे खाना भी रेडी हो गया था। जो लोग जल्दबाजी में थे उनको हम खाना खिला के भेज रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे बारी थी 108 दीप से गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती उतारने की। तो फाइनली यहाँ पे पूजा संपन्न हो चुका है और यहाँ पे आरती भी ख़त्म हो गया है। सो अभी बारी है आरती लेने की। सो थोड़ा सा आरती आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर से कम नहीं हो। सो यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही थी एंड करने के बाद सारे लोग मिलके यहाँ पे खाना वगैरह खाए। थोड़ा सा क्यूज मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता हम खिला रहे हैं बूढ़ी खाना। तो यहाँ पे भाई रूपी ये सब लोगों ने मिलके ना रॉकेट वगैरह छोड़ा था। फिर यहाँ पे हमने जलाई थी थोड़ी सी फुलझड़ी, क्योंकि अभी तक फुलझड़ी दिवाली थोड़ी सी फीकी फीकी से लगती है, क्योंकि मेरे से ना बस फुलझड़ी ही जलाई जाती है, उसके अलावा तो मेरे से कुछ भी नहीं होता। फिर भाई यहाँ पे ये स्काई लंटर्न छोड़ा। हमारा दिवाली यहाँ पे ऐसा ही रहा कुछ
एंड आपका कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ लाइक कमेंट शेयर भी कर देना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड आप अपना ध्यान रखें क्योंकि मैं तो बीमार हो चुकी हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।